जैसे हर ह्यूमन बीइंग को अपना काम करना पता होता है, वो अपने डे टू डे लाइफ को काम अच्छे से करता है, वैसे ही जो है अदर लिविंग थिंग्स भी क्या अपने काम करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, उन्हें जो है वो कौन करवाता है, उनको कौन सिखाता है अपने हर काम को करना, उसी को हम आज जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शेखर सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इट्स स्टैंड अप पोएम ऑफ 4.3 द बीज बाय विलियम शेक्सपियर। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। तो देखिए, अब जो मैं इसका जो है एक स्टैंजा जो आप रीड करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से इसको जो है वो देखिएगा। सो वर्क द हनी बीज क्रिएचर दैट बाय अ रूल इन नेचर टीच द आर्ट ऑफ ऑर्डर टू अ पीपल किंगडम दे हैव अ किंग एंड ऑफिसर्स ऑफ सॉर्ट्स। अब इसमें जो है स्टैंजा में बताने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हनी बीज जो है वो इस तरह से काम करते हैं जो उन्हें नेचर जो है वो सिखाती है, ठीक है, जो अ रूल इन नेचर टीच जो उन्हें सिखाती है वो नेचर से ही सीखते हैं और उससे हम वो हमें जो सिखा रहे हैं द आर्ट ऑफ क्या सिखा रहे हैं हमें जो बीज है हम क्या सिखा रहे हैं कि आर्ट ऑफ ऑर्डर जो है वो सिखा रहे हैं कि काम करने का तरीका जो होता है वो सिखा रहे हैं। मतलब कि दे हैव अ किंग, लाइक मतलब जैसे कि नॉर्मल जो दुनिया होती है इंसानों की उसमें भी जो अलग अलग लोग रहते हैं, लाइक मिनिस्टर्स रहते हैं, अलग अलग जो किंगडम जो चलाते हैं, वैसे ही उनमें भी जो है उनका भी एक किंगडम होता है, उनका भी एक जो है बोल सकते हैं कि राज्य होता है। मैं किस तरह से जो है जैसे सैनिक वहाँ के सैनिक होते हैं उन्हें चाहिए, और हमारा जो किंगडम है वो हम कैसे चलाना चाहिए उनके पास भी राजा है, और अलग अलग जो है काम करने के लिए क्या रहते हैं सैनिक रहते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने की बात अगर ली जाए तो वहाँ पर भी पुराने ज़माने में भी राजा होते थे, उनके सैनिक होते थे जो अपने काम के कामकाज देखते थे। तो सेम हनी बी का भी जो है उनका भी क्या होता है किंगडम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। देखिए, वेयर सम लाइक मैजिस्ट्रेट करेक्ट एट होम, अदर लाइक मर्चेंट्स वेंचर ट्रेड अब्रॉड, अदर लाइक सोल्जर्स आर्म्ड इन देयर स्टिंग्स एंड मेक अ बूट अपॉन द समर्स वेलवेट बर्ड्स। अब इसमें स्टैंजा में क्या बताने की कोशिश की है कि जहाँ कुछ जो है वेयर द सम लाइक मजिस्ट्रेट, मतलब कुछ जो है वो क्या होते हैं जज होते हैं, ठीक है, कुछ जो है हनी बीज होते जज होते हैं क्योंकि ह्यूमन के लाइफ में भी जज होते हैं जो रहते हैं एंड जो कि लॉ को संभालते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन में भी जो है लॉ को संभाला जाता है, हमेशा लॉ ऑफ ऑर्डर रखा जाता है और गलतियों को सुधारने का जो है वो काम किया जाता है लॉ के ही लोग करते हैं। और कुछ बीज जैसे कि व्यापारी जैसे होते हैं, जैसे हमारे भी व्यापारी होते हैं और जगह जगह वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं अलग अलग अपने जो है सर्विसेज का गुड्स का जो है वो व्यापार करते हैं, वैसे ही बीज क्या करते हैं अपने जगह जगह जाके क्या करते हैं फूलों का को देख कर उनका जो है रस वो जमा करते हैं एंड कौन कौन से फूलों का रस अच्छा है वो सब भी देख के और ज़्यादा से ज़्यादा है वो रस निकालते हैं, जिसके लिए वो अपने छतों से बाहर जाते हैं और नया काम लेने के लिए वो बाहर निकलते हैं। और कुछ सैनिक ऐसे होते हैं मतलब उनमें ही बीज जो डंक से क्या करते हैं फूलों का रस जमा करते हैं, जिनकी कलियां खिली होती है, फूलों की कलियां खिली होती है। मेक अ बूट अपॉन द समर्स वेलवेट बर्ड, वेलवेट बर्ड का मतलब जो कलियां खिलती है उनको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है। विच प्लेज दे विथ मैरी मार्च ब्रिंग होम टू द टेंट रॉयल ऑफ देयर एम्परर एंड हुज बिजीड इन हिज मैजेस्टी सर्विस एंड द सिंगिंग मैसॉन बिल्डिंग रूफ ऑफ अ गोल्ड। अब इस स्टैंजा में जो है वो क्या बोलने की कोशिश की गई है कि लूटा हुआ जो भी शहद हनी जो भी बीज लाते हैं जो अपने साथ वो लेके आते हैं वो खुशी से जो है वो क्या करते हैं लेके आते हैं एंड अपने घर घर और वो जो रॉयल टेंट एक होता है मतलब लाइक जैसे कि पुराने ज़माने में जो जो राज्य दरबार होता था वैसे ही बीज का भी अपना एक रॉयल टेंट होता है की तरफ वो क्या करते हनी लेकर आते हैं एंड सम्राट जो किंग होता है वो बहुत ही क्या रहता है बिजी रहता है क्योंकि वो उन पे ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो सब सबकी ओर देख रहा होता है। जैसे कि राजा अगर अपने राज्य में निकलता है घूमने के लिए देखने के लिए लोगों को तो वो सिर्फ उन लोगों पे को ऑब्जर्व करते रहता है और देखते रहता है। तो जो कारीगर रहते हैं जो आवाज़ करते करते मतलब जो मधुमक्खी की जो आवाज़ रहती है करके जो रहती है करते हुए अपना क्या करते हैं मधुमक्खी का छत्ता बनाते रहते हैं और येलो गोल्ड कलर के कलर का जो है वो बनाया जाता है उनका छत्ता। आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है। द सिविल सिटीजन्स नीडिंग अप द हनी द पुअर मैकेनिक पॉटर्स क्राउडिंग इन देयर हैवी बर्डन्स एट हिज नैरो गेट्स।
अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो दूसरे बीज रहते हैं, जो दूसरे मधुमक्खियां रहते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग फूलों के रस को जो है, मतलब अलग अलग बहुत सारे अलग अलग फूल के रस निकालते हैं, वो लेके आते हैं, उन सबके रसों को मिला कर एक करते हैं, और जो दूसरे रहते हैं जो कि कुली जैसा काम करते हैं, मतलब उसको उस शहद को जो उठा के तो क्या करते हैं, शहर पे शहर सब रख के गेट से एक एक करके जो है, अब नैरो गेट, मतलब यह बोला गया है कि नैरो गेट जो मतलब वो जो उस छत्ते में जो दरवाज़ा रहता है उनके लिए गेट रहता है, छोटा सा रहता है, वो उससे जाके धीरे धीरे रस को क्या करते हैं, अपने छत्ते में इकट्ठा करते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में लोग जब अपने माल लेके आते थे, अपने घर में लेके आते थे, तब क्या करते थे लोग इकट्ठा करते थे, उसी तरीके से जो है बीज भी क्या करते हैं, अपने रस को इकट्ठा करके ला के अपने छत में जमा करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट सेंस में क्या दिया हुआ है, द सैड आईड जस्टिस विथ हिज सर्ली हम डिलीवरिंग ओवर टू एग्जीक्यूटर्स पेल द लेजी योनिंग ड्रोन। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि द सैड आई जस्टिस विद हिज सर्ली, मतलब जो जज रहता है वो हमेशा उसकी आंखें जो रहती है उदास रहती है, क्या रहती है, उदास रहती है। क्यों ऐसे रहता है, क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहता है और दूसरों को क्या करता है, फांसी पर चढ़ा देता है, जो जो फांसी देता है वो उनको ऑर्डर देता है, और जो कि जो फांसी लोगों को देते हैं वो और गुस्से में रहता है, क्योंकि कुछ लेजी बीज रहते हैं जो काम नहीं करते, उनको वो सीधा क्या करता है, मौत की सज़ा जो है वो सुना देता है, और कोई भी काम नहीं करते इसके लिए वो उनको ऑर्डर देता है, जो कि फीके दिखते हैं, जो कि मतलब कमज़ोर दिखते हैं, वो उनको ऑर्डर देता है कि जो लेजी ड्रोन है उनको फांसी दे दो। तो यही था अब उसको बीस का कि पुराने इसी को एक्चुअली में लिया गया है, इसको रिलेट किया गया है पुराने ज़माने के लोगों से, वहाँ बताया गया है कि किस तरीके से जो है ह्यूमन के जैसा ही जो है अदर लिविंग थिंग्स जितने भी है एग्जिस्ट करते जो अर्थ पे, वो अपने लाइफ को सर्वाइव किस तरीके से करते हैं। तो इसी के साथ ये आपका जो बीज है इट्स एंड का पोयम द बीज वो ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे बच्चों, और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट इंग्लिश लेसन, पोयम, एप्रिसिएशन, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल वीडियोस इजीली मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।